अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और क्रिकेट शायकीन, वेलकम टू माय चैनल। हांगकांग के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और मुकम्मल प्लेइंग 11 भी आपको साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजबूत ना होने की वजह से इंडिया से इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ना फ़खर जमान चल सके, ना बाबर आजम चल सके, ना मोहम्मद रिजवान चल सके, बल्कि शाहनवाज तहानी ने तकरीबन अच्छी इनिंग्स खेली, क्योंकि वो एक बॉलर हैं, वो एक बैट्समैन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद में अभी अल्लाह ताला ने उनको मज़ीद इज्जत से नवाजा। आगे चल के आपको बताते हैं जी, स्क्वाड शुएब मलिक की जो वापसी है उसके भी चांसेस 50% बन चुकी हैं और मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा का ये कहना है कि हम क्रिकेट मैच से एक दिन पहले इस बात पर गौर करेंगे कि शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल करना है या नहीं। बाकी जो प्लेइंग 11 है वो सेम ही रहेगी और हांगकांग को शिकस्त देना पाकिस्तान की अब मजबूरी बन चुकी है। अगर क्वालिफाई पाकिस्तान करना चाहता है मज़ीद मैचेस खेलने के लिए तो हांगकांग को हराना पाकिस्तान को बहुत ही ज़रूरी है।